Today I am going to discuss the proper questions which appear on your aptitude test, and that is actually the spotting errors. So आज हम discuss करने वाले हैं यहाँ पर spotting errors के बारे में. तो जो सबसे main portion आपके पास होता है NED में 5 number का आता है spotting error 5 marks का, ठीक है. तो correction of sentence भी इसी को हम कहते हैं, spot करना पड़ता है errors को. एक सेंटेंस के अंदर चार जगहों पर मार्किंग की होती है, आपको ये देखना होता है कि गलती कहाँ पर है. अब वो गलती किसी भी तरह की हो सकती है, वो गलती टेंस बेस्ड हो सकती है, वॉइस बेस्ड हो सकती है, कंडीशनल बेस्ड हो सकती है, एडजेक्टिव बेस्ड हो सकती है, प्रेपोजिशन बेस्ड हो सकती है, इस तरह से वो आर्टिकल बेस्ड हो सकती है, एग्रीमेंट सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के लिहाज से बेस करते हुए वो गलती हो सकती है, वो गलती पैरेलल स्ट्रक्चर पर हो सकती है, वो गलती रिडंडेंसी पर हो सकती है, वो गलती हो सकती है डैंगलिंग मोडिफायर्स पर, डिटरमाइनर्स पर, कोई भी गलती हो सकती हो. अब ये बहुत जिसकी ग्रिप अच्छी होती है ना ग्रामर में, एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप करने वाला बच्चा, वो पकड़ पाता है गलती के कहाँ पर ये गलती यहाँ पर आई है. यकीनन हम सब क्लास सेकेंड ईयर तक कराची की 99% आबादी की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो स्पॉटिंग एरर में स्पॉट कर सकें कि कहाँ पर गलती आ रही है. बट वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि हम उसको प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं. काफ़ी बेसिक लेक्चर्स मैंने टाइम इसमें काफ़ी वेस्ट किया है, बेसिक लेक्चर्स देने में काफ़ी टाइम दिया है. क्या तो स्टार्ट करते हैं. शुरू में मैं बता दूं किस किस तरह से गलतियां निकलती हैं, यहाँ पे आप भी इसमें चेक करेंगे. तो फर्स्ट है, आई एंजॉयड स्टडी जियोग्राफी एट स्कूल एंड नाउ आई हैव एनरोल्ड एट द इकोनॉमिक्स फैकल्टी. अब यहाँ यू कैन सी देयर आर फोर ब्लैंक्स, चार जगहों पर अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, और ए बी सी डी लिखा गया, एंड यू हैव टू स्पॉट द एरर. देयर मस्ट बी वन एरर इन ऑल दिस फोर सेंटेंसेस. अभी मैं नो एरर वाली कंडीशन पे फिलहाल नहीं आ रहा, कम से कम एक एरर है लाजमी इसके अंदर ए बी सी या डी में. आई एंजॉयड स्टडी जियोग्राफी एट स्कूल एंड नाउ आई हैव एनरोल्ड एट द इकोनॉमिक्स फैकल्टी. सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर एरर कहाँ पर मौजूद है? यस, अवेश ने कहा बी पर. अच्छा, जब आप एरर बताएंगे तो उस एरर का सोल्यूशन भी देना आपका ही एक काम होगा, ताकि आपको पता लगे कि आपने जस्ट एक गेस नहीं लगाया है बल्कि आपको रियल में पता था ये एरर क्यों है. चले बताएं. यस, वेरी गुड. यहाँ पर आई एंजॉयड स्टडिंग, तो यहाँ पर लगेगा जिरण. देखिए, वर्ब के फ़ौरन बाद नाउन आता है, वर्ब के फ़ौरन बाद नाउन आता है, और नाउन में हमारे पास एक जिरण नाउन होता है जो वर्ब की एन जी फॉर्म होती है. तो यहाँ पर आई एंजॉयड स्टडी, दो वर्ब एक साथ कभी भी नहीं आते. That is, I enjoyed studying geography. या I enjoyed swimming. इस तरह से कहते हैं ना, I enjoy shopping. तो जो तो यहाँ पर ing form आएगी. तो B जो है ना, B option जो है, that is यहाँ पर error spot हो रहा है, ठीक है. I enjoyed studying geography at school and now I am enrolled at the economics faculty. I enjoyed to study geography. हाँ, इस तरह से भी हो सकता है. अगर आप जिरण की जगह infinitive लगाना चाहो तो infinitive से भी काम चल सकता है. To study geography. I enjoyed to study geography, that is also good. But it's, I enjoyed study geography नहीं हो सकता. दो verb कभी भी एक साथ नहीं आ सकते verb के sense में, ठीक है. तो second है, I used to be keen of all scientific subjects, but now I would prefer to study art. I used to be keen of all scientific subject. मुझे दिलचस्पी थी तमाम साइंसी मजामीन में, लेकिन अब मैं तरजीह देता हूँ कि मैं फ़नून को या आर्ट्स को पढ़ूँगा. तो यहाँ पर कहाँ पर आपको गलती स्पॉट होती है? सेकेंड सेंटेंस में. I used to be keen of all scientific subjects, but now I would prefer to study art. A, B, C, D. अच्छा, कितने, कौन सा? D. अच्छा, ये आप सबके वही मुश्किल होगी, आप सबको समझ में नहीं आ रहा एरर कहाँ. देखा, पूरी पूरी क्लास को नहीं आ रहा है, मतलब पूरी क्लास गलत कर सकती है इसको टेस्ट में जाके. एक बच्चा भी सही नहीं कर पाया शायद. तो होता है ऐसा, नॉर्मली इंग्लिश में ये मामला रहता है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बायो में ऐसा कभी भी नहीं होता कि पूरी क्लास को ना आ रहा इसमें, लेकिन होता है ऐसा. आई यूज़ टू बी कीन ऑफ ऑल साइंटिफिक सब्जेक्ट्स. यहाँ पर जो गलती आपको दिख रही है ना, वो बी पर दिख रही है यहाँ पर. क्यों? कीन के साथ ऑफ नहीं होता, कीन के साथ ऑन होता है. यह एक फ्रेजल वर्ब है, कीन ऑन. आई कीन ऑन स्टडिंग जियोग्राफी, कि मुझे, मैं शौकीन हूँ जियोग्राफिया पढ़ने का. कीन ऑन ऑल साइंटिफिक सब्जेक्ट, कीन के साथ ऑफ कभी भी नहीं आता. दैट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, जो प्रेपोजिशन में मैंने बताया था ना आपको, किसको याद रखना है तो उसमें लिस्ट में कीन ऑन भी होगा, ठीक है. कीन ऑफ का भी नहीं होता, तो यहाँ बी पर एरर स्पॉट हो रहा है. तो फ्रेजल वर्ब की मिस्टेक है यहाँ पर. स्पॉट एरर की करनी है तो एरर कोई भी ग्रामेटिकल एरर यहाँ पर हो सकता है. बाकी सारे सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली ओवरऑल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, ठीक है.
थर्ड आई वॉन्ट मीट योर सिस्टर वेन शी कम्स टू यू सी यू. यस यहाँ पर इन्फिनेटिव में यस ए गलत है, सबको पता लग सकते हैं. यहाँ पर टू की कमी है. आई वॉन्ट टू मीट योर सिस्टर वेन शी कम्स टू सी यू, शी साउंड्स वेरी नाइस. ठीक है. फोर्थ है माई फ्रेंड्स टेल द इंग्लिश एग्जाम इज क्वाइट डिफिकल्ट बट आई एम नॉट वरीड. माई फ्रेंड्स टेल द इंग्लिश एग्जाम इज क्वाइट डिफिकल्ट बट आई एम नॉट वरीड. नहीं टोल्ड नहीं हो सकता, क्यों? चूंकि हमेशा प्रेजेंट के साथ एक प्रेजेंट का क्लॉज आता है. जब इस प्रेजेंट में है, एम प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर टोल्ड होने की नीड थी ही नहीं. अगर प्रेजेंट के साथ हमेशा प्रेजेंट ही लग रहा होता है, ये तो सिंपल, ये वाली गलती इसके अंदर फॉर्मेशन की मिस्टेक नहीं है सेंटेंस में नहीं बेबी. तो आपको जो यहाँ टोल्ड लग रहा है तो ये गलत लग रहा है. टेल सही है. देखिए यहाँ पर जो गलती दिख रही है ना, यहाँ पर जो गलती दिख रही है वो टेल पे यहाँ पर ए पर दिख रही है. ए पर ये गलती है, लेकिन टेल में इस तरह की गलती नहीं, टोल वाली गलती नहीं है. टेल जब भी आता है ना, तो टेल के साथ कोई स्पीकर यहाँ पर मौजूद होता है, माई फ्रेंड्स टेल मी जैसे. और अगर टेल स्पीकर नहीं है तो बस लगाते हैं से. माई फ्रेंड से द इंग्लिश एग्जाम इज क्वाइट डिफिकल्ट. नरेशन में आपने किया होगा कि टेल लगाते हैं सेट टू, या जब जब कोई टू जवाब आता ना, टेल्स मी, ही टोल्ड मी, शी टेल्स मी, शी इज़ टेलिंग मी, ही वॉज टेलिंग मी, तब जाकर. यहाँ पर तो किससे बोल रहा है, स्पीकर नहीं है ना ये, इसलिए यहाँ से यहाँ पर टेल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर से आना चाहिए था. माई फ्रेंड्स से द इंग्लिश एग्जाम इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. तो नरेशन अगर आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है तो वहाँ पर ये वाली कंडीशन आती थी. तो ये भी आप फेल हो गए इसमें, ठीक है, आपने नहीं बताया किसी ने भी. फिफ्थ है द टिकट्स विच आर एक्सट्रीमली गुड वैल्यू कैन बी बाय फ्रॉम लार्ज सुपर मार्केट्स. द टिकट्स विच आर एक्सट्रीमली गुड वैल्यू कैन बी बाय फ्रॉम लार्ज सुपर मार्केट्स. तो आंसर बताना, वो कौन बता रहा है सी, और सी का आंसर क्या होगा, सी में गलती क्या है. यस ठीक है अरीशा, यू आर राइट. ये पैसिव वॉइस का मसला है. कैन बी, देखो हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जब भी पैसिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, मॉडल के साथ भी लगाते हैं, मे बी, माइट बी, कैन बी, शुड बी, वुड बी, और उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगती है. तो ये पैसिव लगा हुआ है. कैन बी बाउट फ्रॉम लार्ज सुपर मार्केट्स, बाय कभी भी नहीं आ सकता, बाउट आएगा बिकॉज पैसिव वॉइस में जो है वो थर्ड फॉर्म लगती है. तो द टिकट्स विच आर एक्सट्रीमली गुड वैल्यू कैन बी बाउट फ्रॉम लार्ज सुपर मार्केट्स. तो यहाँ पर जो है वो सी जो है वो दैट इज़ एक्चुअली एरर जो हमने यहाँ पर स्पॉट किया है. तो आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट में आप देखें तो इधर पर जिरंड मिस्टेक आया, सेकेंड पर फ्रेजल वर्ब आया, थर्ड पर इन्फिनेटिव का मिस्टेक आया, फोर्थ पर जो मिस्टेक आपके पास आई है वो वर्ब की आ रही है, नेक्स्ट जो है पैसिव की मिस्टेक आ रही है. तो ये मिस्टेक्स कोई फिक्स नहीं होती है बच्चों कि भाई ये 50 जुमले करके जाएँ या 10 तरह के मिस्टेक्स करके जाएँ, उनमें से आ सकती हैं. तो ग्रामर का दिन तो दैट इज़ का इट इज़ लाइक एन ओशियन. तो वो मिस्टेक कहीं पर भी स्पॉट करने के लिए कहा जा सकता है. लेकिन ये क्या होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम चलें इतना तो आ जाएगा कि जुमला देखकर थोड़ा बहुत आपको स्पॉट करना आएगा कि हाँ भाई यहाँ पर एरर स्पॉट हो रहा है. अगर बिल्कुल ही तैयारी नहीं करोगे तो बिल्कुल ज़ीरो रहोगे इन चीज़ों में. ठीक है. नेक्स्ट है 11th है द पुलिस मैन शोड अस एन आइडेंटिकेट पिक्चर ऑफ द मैन हु स्टील द कार. यस कौन बताए, 11th क्या था, 5 हुआ था. वैसे आप इसको ठीक बता रहे हो, स्टोल होगा यहाँ पर डी, चूँकि पास्ट में चल रहा है सारा तो वो भी पास्ट में आएगा. ठीक है, एक आगे शायद बढ़ गए थे ना, 5. छठा है द नंबर ऑफ पीपल विच आस्क्ड फॉर द डिस्काउंट वॉज लो बट ग्रू ड्यूरिंग द समर पीरियड. यस ठीक है. यस इफा हबीब इज राइट. यहाँ पर विच नहीं होगा, यहाँ पर हु होगा. द नंबर ऑफ पीपल हु आस्क्ड फॉर द डिस्काउंट वॉज लो. चूंकि लोगों की बात की जाए, लोगों के साथ विच नहीं लगाते, रिलेटिव प्रोनाउन हु लगता है. हु आस्क्ड फॉर द डिस्काउंट वॉज लो. अच्छा एग्रीमेंट का मसला नहीं है, द नंबर के साथ हु ही लगता है. द नंबर ऑफ पीपल है ना, तो यहाँ पर इसके साथ वॉज लगेगा. ठीक है, तो ये एग्रीमेंट का मसला इसमें नहीं है, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का. यहाँ पर मसला यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में आ रहा है, यहाँ पर विच नहीं आएगा, विच नॉन लिविंग के लिए होता है. यहाँ पर हु आएगा चूँकि लिविंग थिंग्स है पीपल. ठीक है, जो या जो के मायने में इस्तेमाल हो रहा है, जिन्होंने कहा डिस्काउंट के लिए. ठीक है. 7th ही वॉन्टेड ऑलवेज टू बी अ डॉक्टर एंड आफ्टर डूइंग मेडिसिन ही नाउ वर्क्स इन अ हॉस्पिटल.
बहुत सिंपल मिस्टेक दिख रही है यार आप इसमें, क्या परेशान हो रहा है? देयर इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी जनरल मिस्टेक हियर। ए बी सी डी कहाँ है? ए में मिस्टेक यहाँ पर दिख रही है। ये ऑलवेज वॉन्टेड होगा, ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, ही वॉन्टेड ऑलवेज तो नहीं होता ना, ये तो ऐसे भी सुनने में अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर ये ए पर आ रहा है, स्पॉट हो रहा है। एट थे द इंफॉर्मेशन दे गेव अस वॉज नॉट वेरी हेल्पफुल सो आई कंसल्टेड द वेबसाइट इंस्टेड। ए बी सी डी, द इंफॉर्मेशन दे गेव अस वॉज नॉट वेरी हेल्पफुल सो आई कंसल्टेड द वेबसाइट इंस्टेड। मतलब हाँ क्यों ए है? ये तो चल एक चीज़ बिल्कुल सही आपने बताया इमाद ने, ठीक है बाद में सॉरी कि वॉज से पहले यहाँ पर जो है सिंगुलर होगा। एक और भी इसमें एक रीज़न है, ए गलत है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही आपको गलत बता रहा है यहाँ पर शायद। ये इसने रेड निशान भी लगाया हुआ थोड़ा, अगर आपको दूर से दिख रहा हो तो ये रेड टाइप का निशान यूँ दिख जाता है ना, ये रेड निशान से मारा हुआ इसके अंदर, क्यों उसको गलती लग रही है वर्ड को इस पर? क्योंकि इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकता, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल पॉसिबल वैसे भी नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन एक है तब भी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी हो तब भी इन्फॉर्मेशन ही है। और बाकी इससे भी दिख रहा है कि वॉज आया तो सिंगुलर होना चाहिए, तो ये ए में यहाँ पर मिस्टेक है, स्पॉट है। तो ये गलतियाँ नहीं है तो आपको पता था, हाँ सर ये तो हमें भी पता था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, बट टाइम पे मोमेंट पर आपको समझ में आना चाहिए बात, तो फिर सही है। देयर इजंट मैनी टाइम डू यू थिंक वी शुड गेट अ टैक्सी टू द एग्जीबिशन सेंटर। वक्त बहुत वक्त नहीं बचा है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें टैक्सी लेनी चाहिए एग्जीबिशन सेंटर जाने के लिए? बहुत सिंपल है, ए है, यस। क्यों है? चूँकि इजंट मैनी टाइम नहीं हो सकता, चूँकि टाइम इज़ अनकाउंटेबल नाउन, तो उसको रद्द में क्या होगा, देयर इजंट मच टाइम, ज़्यादा वक्त नहीं है तो मच टाइम लिखेंगे, मैनी टाइम नहीं लिखेंगे, चूँकि टाइम इज़ अनकाउंटेबल, ठीक है। टेंथ है, ही ग्रेजुएटेड इन लैंग्वेजेस इन जून एंड इज़ नाउ थिंकिंग ऑफ डू अ सेकेंड डिग्री इन साइकोलॉजी। उसने लैंग्वेजेस में जून के महीने में ग्रेजुएट किया, अब वो सोच रहा है कि वो दूसरी डिग्री लेगा साइकोलॉजी में, नफ्सियात में। डी ऑप्शन क्यों गलत है? डूइंग आएगा, यस गुड, इफ आई बी अगेन राइट, कि ही ग्रेजुएटेड इन लैंग्वेजेस इन जून एंड इज़ नाउ थिंकिंग ऑफ डूइंग अ सेकेंड डिग्री, ठीक है। तो थिंकिंग ऑफ डूइंग होगा यहाँ पर, ठीक है, थिंकिंग ऑफ डू नहीं होगा, ऑफ के साथ एनजी फॉर्म आती है, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अ पिकनिक, लाइक दैट्स वे, इस तरह से ऑफ के बाद एनजी फॉर्म आएगी, एंड नाउ थिंकिंग ऑफ डूइंग अ सेकेंड डिग्री इन साइकोलॉजी। तो डी यहाँ पर जो है स्पॉट एरर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आगे बस समझ में कहाँ पर है, तो स्लोली आपको क्या होगा, प्रैक्टिस देखो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो कि ग्रामर के रूल्स को रट के आप स्पॉट करो एरर को, ये मुश्किल काम है और टाइम से किन है, या फिर आप प्रैक्टिस करके रूल्स को समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिस से क्या होगा जल्दी हो जाएगा स्पॉट। वरना अगर मैं एक एक करके सारे रूल्स बताऊंगा ना तो फिर वो वैसे भी जहन में नहीं आना है, इधर उधर ही हो जाना है, अगर मैं 50 रूल बता दूँ यहाँ खड़े खड़े तो बेहतर है कि आप एग्जाम्पल्स के साथ साथ देखते रहें ताकि प्रैक्टिस भी होते रहे, रूल्स भी आपके जहन में आते रहें कि कहाँ कहाँ एरर स्पॉट हो सकता है। देखो 11 तो आपने मुझे बता दिया, ठीक है, यहाँ पर ये जो डी में यहाँ पर मिस्टेक आ जाएगा, स्टोल द कार होगा, पास के साथ पास लग रहा है। 12 है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द स्टेशन ऑन फुट, यस अवेज सी क्यों, बाय फुट होगा, वेरी गुड, बाय फुट होता है पैदल के लिए, ऑन फुट नहीं होता, प्रेपोजिशन की मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। तो सी यहाँ पर एरर स्पॉट है, तो कभी कभार एक सेकंड में पता लग जाता है गलती यहाँ पर हो रही है। आई वॉज सो एंग्री दैट आई टुक द वॉच ब्रोकन टू द ज्वेलर्स टू गेट माई मनी बैक। कौन सा? बी है, वेरी सिंपल, क्यों बी है? एडजेक्टिव पहले आता है, नाउन बाद में आता है, तो इट शुड बी ब्रोकन वॉच, टूटी हो घड़ी घड़ी, वॉच ब्रोकन तो नहीं हो सकता ना, ब्रोकन वॉच होगा चूंकि एडजेक्टिव पहले आता है नाउन बाद में आता है अकॉर्डिंग टू द रूल, तो एडजेक्टिव ब्रोकन है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो वॉच यहाँ पर एक वर्ब वो नाउन जो है उसके बाद आएगा, तो ब्रोकन वॉच जैसे ब्रोकन चेयर होता है या ब्रोकन इस तरह से, तो बी ऑप्शन। 14 है, ही रैंग मी दिस मॉर्निंग फॉर टेल मी, बी क्यों, फॉर टेलिंग होगा या टू टेल होगा, दो में से एक होगा, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ रहा है कि जीरो एंड और इन्फिनेटिव की मिस्टेक किस तरह से आ रही होती है यहाँ पर। 15 है, आई वॉन्ट बी एबल टू गो ऑन हॉलीडे दिस ईयर अनलेस आई विल गेट अ पार्ट टाइम जॉब। मैं इस साल छुट्टी मनाने नहीं जा सकूंगा जब तक कि मुझे छुट्टी ना मिल जाए अपने पार्ट टाइम जॉब से।
ये कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत सिंपल कंडीशनल सेंटेंस होता है। क्या थोड़ा अच्छा नीचे हो गया इस वजह से? आई वॉन्ट बी एबल टू गो ऑन हॉलीडे दिस ईयर अनलेस आई विल गेट अ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, देखें यहाँ पर सबसे मेन बड़ा बेसिक 9th class वाला मसला यहाँ पर दिख रहा है। जो स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल सेंटेंस का, फ्यूचर का जो कंडीशनल होता है उसमें फ्यूचर सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है, फ्यूचर सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है। ठीक है, आई वॉन्ट बी एबल टू गो ऑन हॉलीडे, बिल्कुल सही है, अनलेस या इफ वाला क्लॉज कोई होता है, प्रेजेंट सिंपल आता है उसके बाद, अनलेस आई गेट अ पार्ट टाइम जॉब, अनलेस आई विल गेट, कैसे दो, फ्यूचर का क्लॉज कभी नहीं आ सकता। फ्यूचर के साथ दोस्ती हमेशा किसकी है? प्रेजेंट की है। फ्यूचर एंड प्रेजेंट आर बेस्ट फ्रेंड टुगेदर इन इंग्लिश ग्रामर। तो फ्यूचर के साथ हमेशा प्रेजेंट आता है, तो वह विल तो ये वॉन्ट कैसे हो सकता है? ये वॉन्ट है तो वहाँ पर उसको आई गेट हो जाएगा, अनलेस आई गेट। जैसे इफ़ यू वर्क है ना, कितना इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड तो नहीं होता ना। पहला सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में, दूसरा फ्यूचर सिंपल में। ये फ्यूचर सिंपल में हो गया तो वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका है, जो अनलेस के साथ लगा हुआ है कंजंक्शन के साथ, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो वो आपका किसके साथ लगेगा? वो आपका प्रेजेंट सिंपल के साथ लगेगा, तो विल नहीं आएगा यहाँ पे, आई विल आई गेट होगा। 9th class का एक सिंपल सा मिस्टेक है। ठीक है, कोई वो बड़े लेवल में या बहुत पढ़े लिखा होने की जरूरत नहीं इसको समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16, इट वॉज सो नाइस डे दैट दे डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक इन द फील्ड। इतना अच्छा दिन था कि उन्होंने फैसला किया कि वो मैदान में पिकनिक मनाएंगे। सी क्यों होगा? क्या होगा? डिसाइडिंग क्यों? सही है, पास्ट है ना, पास्ट के साथ पास्ट लगा हुआ है, वॉज है पास्ट सिंपल, डिसाइडेड है पास्ट सिंपल, सही है, सी का कोई मसला नहीं है। और बोले इट वॉज सो नाइस डे, क्या होना चाहिए था फिर? नहीं, इट वॉज सो नाइस डे, बिल्कुल परफेक्ट जुमला, बोलने में ही अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है तो सही है, बात खत्म। इट वॉज सो नाइस डे, तो ऐसा सुना होगा आपने, पहली बार थोड़ी ना सुन रहे हैं। यस, ये प्रेपोजिशन मिस्टेक है, थर्ड टाइम में समझ रहे हो तुम लोग। ऑन द फील्ड होगा यहाँ पर, इन द फील्ड कैसे, मैदान पर ना, ऑन द फील्ड, इन द फील्ड नहीं होता, फील्ड तो एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन में बताया तो ऑन आएगा। तुम लोग यहाँ यहाँ ढूंढ रहे हो गलतियों को, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, जरूरी नहीं है कि आप एक सेकेंड में बताओ, आप 5 सेकेंड में बताओ, मुझे देखो तो चार ऑप्शन। 17 है, आई हैवंट नेवर सीन एनीबडी, आई हैव नेवर सीन, डबल नेगेटिव कभी भी नहीं आता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, तो आई हैव नेवर सीन एनीबडी, तो ए पर यहाँ पर एरर स्पॉट, सिंपल एरर है, डबल नेगेटिव वाला है, डबल नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो कभी भी दो माइनस एक साथ नहीं आ सकता। माय फ्रेंड ऑलवेज टेक्स मी टू सी हॉरर फिल्म्स बट आई डोंट लाइक वेरी मच। टेक्स मी में क्या गलती है? टेक मी होगा क्यों? मेरा दोस्त है। अंडरलाइन जिसमें वो गलती होगी। डी किस तरह से? कशिश ने कहा डी, किस तरह डी सही करें उसको? किसने कहा डी सही भी करना है ना, सही भी करना है, सिर्फ बोलना नहीं है ए बी सी डी। यस, ये गलती है, अवेस यू आर राइट, अब आई डोंट लाइक इट वेरी मच, इट यहाँ पर मिस्टेक है। माई फ्रेंड ऑलवेज टेक्स मी टू सी हॉरर फिल्म बट आई डोंट लाइक इट वेरी मच, तो इट यहाँ पर मिसिंग था, ये तुम लोगों को दिखी रहा नहीं। क्या लाइक करता हूँ? दोस्त को लाइक नहीं करता कि हॉरर मूवी को लाइक नहीं करते, तो समझ में नहीं आ रहा, इट आएगा ना, इट आ गया तो मतलब यहाँ पर दोस्त की बात नहीं हो रही, हॉरर फिल्म की बात हो रही है। अगर हिम आ जाता तो दोस्त की बात हो रही है, तो इट के बिना सेंटेंस अधूरा है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, मैं 2-3 नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट का नाम आए, ठीक है, ताकि 25,000 बच्चों को पता लगे कितने अच्छे बच्चे पढ़ते हैं क्लास में मेरे। और 19 है, वी वेंट टू गोटेमाला लास्ट ईयर, सो गोटेमाला इज़ द कंट्री ऑफ अफ्रीका, वी वेंट टू गोटेमाला लास्ट ईयर सो वी वर टायर्ड ऑफ द यूजुअल बीच हॉलीडे। हम गोटेमाला गए पिछले साल, सो वी वर टायर्ड ऑफ द यूजुअल, चूँकि हम बहुत थक चुके थे। वी वेंट टू गोटेमाला लास्ट ईयर, बी, यस रीज़न बता रहे हैं, वेल डन, ठीक है, यहाँ पर होगा बिकॉज वी वर टायर्ड ऑफ
यूजुअल बीच हॉलीडे यस अवेस अगेन यू आर राइट 20 दैट्स वेरी ग्रेट ही इज आंसरिंग ऑल द स्टूडेंट्स जस्ट आई विल क्लैप एट द एंड 20 आई हैव गॉन टू मेहनत कर हसद ना कर आई हैव गॉन टू मारबेला क्यों वेल डन अवेस आई हैव नॉट गॉन टू दिस शुड बी आई हैव बीन टू याद करके आए हो क्या पक्का नहीं ये अभी अभी मैंने टाइप किया भाई हो ही नहीं सकता नामुमकिन है अभी अभी मैंने पेपर पूरा बनाया ही है हो ही नहीं सकता किसी के पास हो लास्ट ईयर अलग था जो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे अच्छा आई हैव बीन टू मारबेला आई रिमेंबर इट वेल क्यों देखो ज़रा समझना इसको क्यों सही गलत है ये आई हैव गॉन टू मारबेला आई रिमेंबर इट वेल अ बिजी टाउन विद अ नाइस मॉडर्न प्रोमिनेंट एंड पिक्चर्स मतलब यहाँ पर उसके सीनरीज को बता रहे हैं तो मैं मारबेला से हो आया हूँ मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह से वो एक बड़ा मसरूफ़ शहर है जहाँ बहुत जदीद किस्म की चीज़ें जो भी हैं वो मौजूद है तो ये एक कम्प्लीट जर्नी को शो कर रहा है कि मैं मारबेला गया हूँ और वहाँ से होकर वापस आ गया हूँ तो कभी भी गॉन टू ही लगाते हैं बीन टू का स्ट्रक्चर लगता है बोलते ना मैं अमेरिका से हो आया हूँ आई हैव बीन टू अमेरिका तो ये गॉन टू होता है वन साइडेड जर्नी के लिए और जाकर वापस आ जाओगे तो बीन टू लगेगा तो आई हैव गॉन टू नहीं आई हैव बीन टू होना चाहिए नाइन्थ क्लास का मिस्टेक होता है ये भी बहुत सिंपल बेसिक लेवल मिस्टेक यहाँ पर हुआ है गॉन टू और बीन टू का स्ट्रक्चर ठीक है तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है बाकी बच्चे भाई कोशिश करें और मेहनत करें इस पर बताएं सॉरी चलिए इजी है सारे नहीं ये तो वही है He was quite amusing when he heard what had happened. क्यों अरिशा भी amused होगा well done. ये adjective लगेगा यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरत ज़्यादा हो गया जब उसने सुना क्या हुआ था तो he was quite amused. कहते ना quite excited, quite amused. Past लगती है ना He was quite amusing तो नहीं हो सकता ये तो नहीं कह सकते I am very excited ये बोलते हैं ये तो नहीं कहते I am very exciting. तो वो काफ़ी अच्छा अम्यूजिंग और अम्यूज में फ़र्क है अम्यूजिंग जो दूसरों को हैरत में डाल देता हो और अम्यूज जो खुद हैरत में आ गया हो जैसे एक्साइटिंग और एक्साइटेड एक्साइटेड मैं खुद एक्साइटेड हूँ और एक्साइटिंग मतलब कि मैं दूसरों को एक्साइट कर सकता हूँ दैट इज़ एक्साइटिंग इस तरह अम्यूजिंग जो दूसरों को अम्यूज़ कर सके और अम्यूज जो खुद अम्यूज हो जाए हैरत में तो ये तो खुद हैरत में आ गया ना सुनकर खबर को तो अम्यूज होना चाहिए था वैसे अम्यूजिंग भी सही हो सकता है ही वॉज क्वाइट अम्यूजिंग दैट्स वाई ही इज़ माई फ्रेंड वो काफ़ी हैरत में डाल लेते इसलिए वो मेरा दोस्त है तो वो भी सही हो सकता है लेकिन इस कंडीशन पे नहीं होगा इस कंडीशन पे तो वो हैरत में आ जा रहा है उस खबर को सुन के क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को भी हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे ऐसी बात नहीं है नहीं करते हैं करते हैं आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल यहाँ पर है ना भाई इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो सकती है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं हो सकता बहुत शी इज़ अ बोरिंग गर्ल यहाँ बोरिंग की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है बट है क्या एडजेक्टिव है नहीं है तो आईएनजी फॉर्म भी यूज लेकिन बोरिंग और बोर्ड में फ़र्क है शी इज़ बोर्ड एंड शी इज़ बोरिंग शी इज़ बोर्ड मतलब वो खुद बोर हो रही है एंड शी इज़ बोरिंग मतलब वो दूसरों को बोर कर सकती है दैट इज़ तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में फ़र्क होता है जब आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट ही स्टॉप टू सी इफ यू कुड पिक अप द ट्रेल यस इफ आर डी क्यों होगा यस मोडेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है If he could pick up the trail, clear? Simple mistake. 23rd, I decided to climb. yes, Ifra. तो के बाद first form आती है हमेशा I और इसको हम लोग कहते हैं this is called infinitive. 24, he jumped down after shouted a warning. Yes, Arisha, क्यों? Yes, after shouting a warning. This should be shouting. He jumped down after shouting a warning to those who are standing below. ठीक है 25. After a few minutes, I look up and saw that it was getting dark. Yes. चूंकि जब यहाँ saw आया past में तो look up नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए क्योंकि past के साथ past का clause आएगा है ना भी पास के साथ पास का क्लॉस आएगा तो यहाँ पर भी पास है यहाँ पर भी पास है तो यहाँ पर भी पास हो अच्छा एक ये एक बता रहा दोबारा सर अब बच्चे ये कहते हैं कि सर प्रेजेंट भी तो बना सकते थे
इसको लुकअप कर दें तो इसको सी कर दें, इसको इस कर दें, बट दो एरर स्पॉट नहीं कर सकते आप। अगर आप इसको प्रेजेंट अगर समझ के आप इन दोनों में गलती निकालोगे तो दो गलतियाँ हो जाएंगी, तो बेहतर है कि उसको आप सही समझ के इसमें गलती निकाल दें। ऐसे है ना भाई, आप तीनों को प्रेजेंट कर सकते हैं तभी जुमला सही था, लेकिन दो गलतियाँ कभी स्पॉट नहीं होती हैं, ये गलती स्पॉट होती है। ठीक है, ऊपर ही जंप डाउन आफ्टर, आफ्टर के बाद ना जिरंड लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है कि ही जंप डाउन आफ्टर शाउटिंग अ वार्निंग टू दोज स्टैंडिंग बिलो, मतलब नीचे जो लोग खड़े थे उनको वार्निंग का चिल्ला कर उसने क्या किया, जंप मारा नीचे। तो आफ्टर शाउटिंग, आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब की आएगी यहाँ पर। अच्छा, अब पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। नाइदर ऑफ द टू, अच्छा ये एग्रीमेंट है देखना, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। दो कैंडिडेट्स इन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, दोनों में से कोई भी एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। सी क्यों? मैंने बोला भी स्टार्ट में, इट इज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, नाइदर जब भी आएगा, नाइदर नहीं, नॉर का जरूरी नहीं होता, लेकिन नाइदर जब भी आएगा तो सूरत में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये एग्रीमेंट का मिस्टेक है, क्लास में बताया था, मसला यहाँ पर है, तुम लोग यहाँ दिख रही नहीं हो, वॉज होना चाहिए यहाँ पर ना, नाइदर आ गया, अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढने पे आओ तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिल रहा है आपको, वर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, तो नाइदर के साथ वॉज लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा, प्रेजेंट का वर्ब लेगा। एग्रीमेंट के सारे रूल्स हैं, उनमें से आखिरी रूल, कुछ रूल यही था। इफ रॉबर्ट, अच्छा यहाँ पर ABCD हटा दिया मैंने, सिर्फ आपको वर्ड्स दिखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट कैनेडी हु वुड हैव लिव्ड अ लिटिल लॉन्गर ही प्रोबेबली वुड हैव वॉन द इलेक्शन। अगर रॉबर्ट कैनेडी कुछ थोड़ा और जिंदा रह जाते तो वो शायद इलेक्शन जीत चुके होते। कंडीशनल का मसला है यहाँ पर, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। यस वेल डन, ये कंडीशनल का मसला है, कंडीशनल यहाँ पर जो है ना वो कंडीशनल है, पास्ट का अनरियल कंडीशनल है, पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव और थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर इफ वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है और बकला अगला जो क्लॉज होता है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का होता है। तो यहाँ पर इफ रॉबर्ट कैनेडी फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने, ये ठीक है, क्लॉज होते हैं ज़्यादा नहीं है कंडीशनल के, उसी तो क्लॉज है तीन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर वुड हैव लिफ्ट नहीं होगा, हैड होगा, पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव और थर्ड फॉर्म आती है, अगर आप जहन थोड़ा दौड़ाओ अपना। तो अगर रॉबर्ट कैनेडी कुछ दिन और जिंदा रह चुके रह जाते हैं तो फिर शायद वो इलेक्शन जीत चुके होते हैं, तो है पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव और थर्ड फॉर्म, ये थर्ड कंडीशनल कहलाता है, थर्ड कंडीशनल। और जो फ्यूचर वाला कह रहा था ना, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इट इज़ फर्स्ट कंडीशनल, ये फर्स्ट कंडीशनल कहलाता है। ये कंडीशनल भी मुझे पढ़ाना चाहिए था लेकिन मैंने बेसिक बहुत पढ़ा दिया था तो मैंने छोड़ दिया, आज मेरा इरादा था कंडीशनल पढ़ाने का लेकिन फिर मैंने बोला यार बहुत बेसिक कर लिया, थोड़ा सा एडवांस लेवल भी करना चाहिए, वरना बच्चे बोलेंगे सर आप तो बेसिक ही बना रहे हैं, मैं वो तो बताइए सवाल जो पेपर में आता है, तो अब करा रहा हूँ पेपर वाला सवाल, अब तुम्हें लग रहा है नहीं सर बेसिक ही बताइए सर छोड़िए, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी शक्ल देख रहे हैं सर ये हेड क्यों आ गए यहाँ पर, वो दुआ का घोड़ा दौड़ा तो रहे हैं अपना लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि हेड क्यों आ रहे हैं, चूँकि उनका कंडीशनल दिमाग में इधर उधर फालूदा बन चुका है जाकर। कंडीशनल दोबारा पढ़ा दूंगा, मेरे को मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको एट अ टाइम पता होनी चाहिए, कंडीशनल के मिस्टेक्स आते हैं स्पॉटिंग एरर में, बहुत आते हैं कंडीशनल के मिस्टेक्स। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड कंडीशनल। इट वॉज हर, बड़ा सिंपल है ये वाला, इट वॉज हर नहीं होता, इट सिंपल शुरू में स्पॉट हो जाएगा, इट वॉज शी, ठीक है, इट वॉज आई, इट वॉज ही, इट वॉज, इस तरह से लिखा जाता है, इट वॉज शी हू रिप्रेजेंटेड हर कंट्री इन द UN एंड लेटर बिकेम एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इट वॉज हर नहीं हो सकता सब्जेक्टिव के साथ, इट वॉज आई, इट वॉज यू, इट वॉज शी, इट वॉज ही, ये वो था जिसने ऐसा किया, तो इट वॉज शी करके लिखेंगे। द प्राइसिस एट द इकोनॉमी सेंटर आर एज रीजनेबल इफ नॉट मोर रीजनेबल एज दोज एट कंपेरेबल डिस्काउंट स्टोर्स। हाँ जी, कहाँ दिख रहा है गलती, एडजेक्टिव की गलती दिख रही है कहीं यहाँ पर मुझे, थोड़ा हिंट दे दो, तो एडजेक्टिव का मसला यहाँ पर आ रहा है आपको, शायद दिख नहीं रहा, कोई स्पॉट करेगा, कोई 5 सेकंड दे रहा हूँ,
पाँच सेकंड दे रहा हूँ, नहीं गलत बता रहा, स्पॉट करेगा कोई? एनी बडी? नो नो, स्पॉट करो। हो गया पाँच सेकंड ख़त्म हो गए, हो गया पाँच सेकंड हो गए। देखो गलती कहाँ पर है, मोर रीजनेबल, ये आ गया कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ऑलवेज टेक्स अ देन, देन कहाँ है, यहाँ आना चाहिए था, देन दोज एट कंपेरेबल डिस्काउंट स्टोर्स, मोर रीजनेबल देन दोज एट कंपेरेबल डिस्काउंट स्टोर। बेसिक सेकेंडरी प्राइमरी लेवल का मसला, देन के मतलब जब भी कंपेरेटिव डिग्री आता है तो देन आता है, बिगर देन, शॉर्टर देन, लॉन्गर देन, टॉलर देन, वाइटर देन, ब्लैकर देन, होता है ना, तो देन तो है ही नहीं, तो देन एस के जगह यहाँ पर देन आना चाहिए। तो मोर आ गया ना वहाँ पर, मोर रीजनेबल, या मोर रीजनेबल क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो मोर के साथ तो देन आना चाहिए, तो देन तो कहीं नहीं लिखा, देन यहाँ आना चाहिए था, स्पॉट नहीं कर पाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि आप इतने आसान गलतियों को स्पॉट नहीं कर रहे। अच्छा एक ये भी एक अच्छा, ये एक अच्छा आपने एक वो किया कि इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे यहाँ पर, कि डबल एस के साथ हमेशा दूसरा एस जैसे आता है, या एस ब्लैक एस, एस वाइट एस, है ना, एस कोल्ड एस, एस क्लेवर एस, एस फनी एस, तो कैसे सर बच्चे एक एस ये रहा और एक एस ये रहा, तो दो बार एस आ गया। लेकिन एस आ जाए तो है ठीक है, बट नेक्स्ट जो एस के साथ तो एस आता ही है, ये तो मैं परफेक्ट पता है, लेकिन आगे आ गया मोर कंपैरेटिव डिग्री, तो आप इस वाले रूल को छोड़ के अगले रूल पर जो है ना वो सेंटेंस चलेगा, ये रूल होता है इंग्लिश का। एक एज आ गया ना यहाँ पर, अब अगला एज आना चाहिए यहाँ पर, जैसा बोले सर दो बार तो ऐसा आ गया, लेकिन इस एज के आगे जाएंगे तो मोर रीजनेबल आ गया, अभी कंपेरेटिव आ गया, अब पिछले रूल को छोड़ के अब अगले रूल को फॉलो कर लेंगे, इस मोर की वजह से देन लगा दें यहाँ पर, इस एज की वजह से एज नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो, ये वाली चीज़ है। तो बिल्कुल सही है बात उस बच्ची की, एज के साथ तो सर दूसरा भी एज आता है, जैसे एज वेल एज इस तरह से बनाते हैं ना, एक एज सिंगल एज कैसे बन सकता है, चूँकि हमने इस एज के जगह पर उस मोर की वजह से देन यूज़ कर लिया, तो ये आपने ठीक बिल्कुल समझा इसमें, तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट इस वाले बात पर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एरर्स इधर पर थे, ठीक है, नेक्स्ट देखें। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंजीनियर टू नो टू यूज़ अ कंप्यूटर, यस अवेश राइट, पहले आपने बोला टू नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, इस तरह होना चाहिए ना, ये बहुत ज़रूरी है एक इंजीनियर के लिए कि वो जाने कैसे कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहिए। नो हाउ टू, इस तरह से पूरा जुमला होता है ये, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, आई नो हाउ टू टीच स्टूडेंट्स, इस तरह से होना, आई नो हाउ टू, यहाँ पर हाउ मिसिंग था, तो यहाँ पर टू नो पर गलती है, क्लियर। हर गलती को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ ना, मुझे आपसे आंसर चाहिए, आंसर आ गया भाई वाह वाह, नहीं आंसर एक्सप्लेन करो क्यों आंसर ये है, तभी समझ में आएगा ना क्या क्या मसला क्या है। हिस्टोरिकली There has been only two major factions in the Republican Party, the Liberals and the Conservative. तारीखी तौर पर सिर्फ दो ही major धड़ थे, हिस्से थे Republican Party के, एक Liberal थे और एक Conservative थे। कहाँ गलती है? There had been historically, had been होगा नहीं, क्यों, हमेशा से हैं ऐसा समझ लो, तारीखी तौर पर हमेशा से हैं दो major हिस्से, आज भी हैं, आज भी दो ही पार्टी हैं, लिबरल्स हैं कंजर्वेटिव्स हैं रिपब्लिकन्स के अंदर, जो अभी कौन जो बिडेन की जो पार्टी है आपकी, यस हैव बीन होगा, यस असद यू आर राइट, अरे अल्लाह के बंदे, देयर हैज बीन ओनली टू मेजर फ्रैक्शंस, प्लूरल है ना, तो अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट लेगा, प्लूरल हैज थोड़ी ना होता, हैव होता है, देयर हैव बीन ओनली टू मेजर फ्रैक्शंस, प्लूरल है ना भाई सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल हैज थोड़ी ना होता, हैव होता है, गलती यहाँ पर थी। अच्छा आप पीछे बार ढूंढ रहे हैं, बार आगे वो सब्जेक्ट आगे पढ़ा हुआ है, ठीक है पीछे नहीं है। वाइट मैन रोट, वाइट मैन कोई ऑथर होगा, उसने लिखा लीव्स ऑफ ग्रास नाम की किताब एज ए ट्रिब्यूट टू द सिविल वॉर सोल्जर्स, छाना जंगी के सिपाहियों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, हु हैड लेन ऑन द बैटल फील्ड, जो लेट गए मतलब मरने मर कर लेट गए बैटल फील्ड में मैदान जंग में, एंड हुम ही हैड सीन वाइल सर्विंग एज एन आर्मी नर्स, और जिसको और जिनको उसने देखा था जब वो एक आर्मी नर्स के तौर पे वहाँ पर बैटल फील्ड में काम कर रहा था वाइट मैन, तो उसने ये किताब लिखी थी लीव्स ऑफ ग्रास के नाम से। चार जगहों पर आपको दिख रहा है, हैड लेन, होम, हैड सीन, वाइल सर्विंग, दिमाग लगाने और सोचने यहाँ पर कहाँ पर गलती हो रही है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि वर्ब की गलती है यहाँ पर, तो कहाँ गलती है यहाँ पर, कोई मसला नहीं है,
पास परफेक्ट लगा हुआ है, क्लियर है। पास सिंपल के साथ परफेक्ट भी आता है, सही है, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं। देखो यहाँ वर्ब की एक मिस्टेक, हाँ, ही हैड बीन सीन के, उसने देखा था, एक्टिव वॉइस है, पैसिव ही नहीं। क्या वाइल्ड सर्विंग, नहीं वाइल्ड के साथ एनजी आता है। हाँ यहाँ पर हमारा थोड़ा करीब पहुँचे हैं इसके, देखें यहाँ लेट का मसला है। देखें एल ए वाई ले, ले के मतलब होता है रखा हुआ होना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है लेट, थर्ड फॉर्म होती है लेड। यहाँ पर रखने के मायने में नहीं है, लेटने के मायने में, लेटने की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन। ले ले लाई ले और लेन, तो यहाँ हेड आया तो लेटने की थर्ड फॉर्म लेट नहीं आनी चाहिए थी, लेन आनी चाहिए थी। ये रखने के मायने में लेट वाला नहीं है ये, ठीक है, लेट लेट गए थे ना वो, तो लेट गए थे तो मतलब लेन। लाई ही लाइज ऑन द बेड, वो बेड पर लेटता है। ले ही ले ऑन द बेड, वो बेड पर लेटा। एंड ही हैड लेन ऑन द बेड, लेट चुका था, तो लेन थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैड लेन होना चाहिए था। लाई ले लेन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऐसी है इसकी। नेक्स्ट, तो ये किसी ने भी, अच्छा हमारे इसके करीब तक तो गई है बट परफेक्ट आंसर कहीं से भी नहीं आया। नेक्स्ट है, द रजिस्टर हैज़ रिक्वेस्टेड दैट ईच स्टूडेंट एंड टीचर साइन देयर नेम ऑन द ग्रेड शीट बिफोर सबमिटिंग इट। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। हैज़ आया है यहाँ प्रेजेंट में, तो ये सही है, प्रेजेंट में ही है, साइंड क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? देयर नेम्स, करीब पहुँचे हो बट सही परफेक्ट नहीं पहुँचे हो। यहाँ मसला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। द रजिस्टर हैड रिक्वेस्टेड दैट ईच स्टूडेंट एंड टीचर, ईच जब भी आता है तो ये प्लुरल सिंगुलर सेंस में आता है, सिंगुलर सेंस देता है ना ईच, जब भी आएगा ईच एवरी, तो यहाँ सिंगुलर सेंस लेंगे तो देयर नेम नहीं होगा। साइन हिज नेम ऑन द ग्रेड शीट बिफोर सबमिटिंग इट, ईच स्टूडेंट एंड टीचर साइन हिज नेम ऑन द ग्रेड शीट, क्यों? चूंकि ईच जब भी आता है तो वो सिंगुलर वर्ड्स को अपने साथ लेकर आता है, प्लुरल कभी लेकर नहीं आता, तो वहाँ में देयर जो है ना उनका, तो प्लुरल है, प्लुरल है भाई देयर, थर्ड पर्सन प्लुरल है, ये सिंगुलर आना चाहिए, तो सिंगुलर में हिज आ सकता है यहाँ पर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहली क्लास एप्टीट्यूड की, उसमें मैंने बताया था। नेक्स्ट, द चाइनीज वर द फर्स्ट एंड लार्ज एथनिक ग्रुप टू वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलरोड सिस्टम। चाइनीज दुनिया के पहले और सबसे बड़े एथनिक ग्रुप्स थे जिन्होंने काम किया था कंस्ट्रक्शन पर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलरोड सिस्टम के। यस ऑब्वियस यू आर राइट, सुपरलेटिव डिग्री का मसला है, क्योंकि दा आया ना, दा के साथ फर्स्ट सुपरलेटिव और यहाँ पर भी सुपरलेटिव, तो लार्ज नहीं हुआ, क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप्स, चूँकि दा आ जाएगा तो दा के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, रूल है ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का, तो द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप्स, ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज में मिस्टेक आई हुई यहाँ पर। तो हिंट लेकिन पेपर में कोई भी नहीं देगा, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ ऐसे नहीं खड़े होकर मैं बताऊँगा बेटा ये वाला मसला है, ये आपको खुद चेक करना है मसला क्या। उस वक्त बड़ी परेशानी होती है बच्चों को कि हाँ मसला आ रहा है, जुमला सारा सही लग रहा होता है, अब तो समझ में आ गया सर, इतना आसान था, ठीक समझ में तो आ गया, बट जब मैंने सामने दिखाया तो समझ में नहीं आ रहा था, यही मसला रहता है। चलो और प्रैक्टिस करें। द प्रेसिडेंट एग्रीमेंट का मसला है, चेक करना है। द प्रेसिडेंट विथ हिज वाइफ एंड डॉटर आर रिटर्निंग फ्रॉम वेकेशन एट सन वैली इन ऑर्डर टू अटेंड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिस आफ्टरनून। कौन बताएगा गलती कहाँ है, कौन बताएगा? एज हो गया। यस, द प्रेसिडेंट विथ जब आ जाता है तो पहला जो होता है ना उसको देखते हुए फैसला करते हैं। प्रेसिडेंट कैसा है, अलॉन्ग विथ या एज वेल एज, बताया था ना, उसमें पहले वाले को देखेंगे, द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के साथ क्या आएगा? आर कभी भी नहीं आएगा, क्या आएगा? इज। द प्रेसिडेंट विथ हिज डॉटर इज रिटर्निंग फ्रॉम, इस तरह आगे बढ़ेगा, क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स लिखा है, उससे लिंक करता हुआ। नेक्स्ट है, इवन अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट मे हैव डिफिकल्टी टॉकिंग काम एंड लॉजिकली अबाउट हिज ओन प्रॉब्लम्स। क्या गलती है?
यहाँ तक के एक प्रोफेशनल मतलब कि एक पेशावर माहिर नफ्सियात उसको भी मुश्किल आएगी कि वो खामोशी से बात करे और अकली तौर पे बात करे अपने ख़ुद की प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या मसला है इसमें? यस, ये यहाँ पर अरीशा राइट है। देखो यहाँ पर जो मसला आ रहा है उसको आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो क्या मैं चाह रहा था आपको रूल्स नाज बताऊँ, बस थोड़ा सा एंगेज करना चाह रहा था क्लास में आपको, बस बोरिंग हो जाता रूल्स बताने में। ठीक है, रूल्स बताऊँगा इसके भी। ये है पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला यहाँ पर आ रहा है। पैरेलल स्ट्रक्चर कैसे, अगर यहाँ पर लॉजिकली है तो यहाँ पर भी कोई एडवर्ब भी आना चाहिए था। काम एंड लॉजिकली नहीं, क्या होना चाहिए था? कामली एंड लॉजिकली। इसको कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर जो चल रहा है ना जिस तरह जिस पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर सारे स्ट्रक्चर चलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर एडवर्ब है लॉजिकली तो यहाँ पर भी एडवर्ब आना चाहिए। टॉकिंग कामली, वैसे भी आप देख सकते हैं कामली मतलब खामोशी से, एडवर्ब ऑफ मैनर है यहाँ पर ये, उसके वो बात करें खामोशी से और अकल से, लॉजिकली कामली। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला यहाँ पर आता है, जो अरीशा ने सही उसको गेट किया कि यहाँ पर मसला क्या है। नेक्स्ट, द मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीडिंग राइजेस द वर्स्ट द हीट अफेक्ट्स अस, डबल कंपैरेटिव का मसला है। डबल कंपैरेटिव का मसला बता रहा हूँ, कहाँ गलती पकड़ो, द मोर वर्स्ट, क्या गलत बोल रहे हो कुछ तो गलत पकड़ा है तुमने, सर और कोई बताए कहाँ गलती है। सही है डबल कंपेर, हाँ नहीं डबल कंपेरेटिव में देन नहीं आता, डबल कंपेरेटिव है द हायर यू गो द कूलर इट इज। वर्स्ट का आप कंपेरेटिव पकड़ो ना यार, वर्स्ट है ना यहाँ पर, द मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीडिंग राइज, सही है बिल्कुल सही है, मोर आ गया। अब यहाँ द वर्स्ट है प्लूरल लिखा हुआ है, वो सुपरलेटिव लिखा हुआ है ना, आप इसका कंपेरेटिव बताओ। मोर वर्स कहाँ से हो गया, अरे अल्लाह के बंदो तुम लोग जाओ नर्सरी पढ़ के आओ दोबारा। वर्स, द वर्स द हीट अफेक्ट अस, बैड वर्स वर्स्ट, पहली बार पढ़ रहे हो, गुड बेटर बेस्ट, तो वर्स होगा ना, तो वर्स मोर वर्स क्या चीज़ होती है, ये बैड बुरा, वर्स बदतर और वर्स बदतरीन, बैड वर्स वर्स्ट, टू थ्री में पढ़ाऊंगा यार ये सब, पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर डबल कंपेरेटिव, एक कंपेरेटिव यहाँ आया तो एक कंपेरेटिव यहाँ आएगा, इतना चिल्ला रहा हूँ मैं, डबल कंपेरेटिव का मसला है, कंपेरेटिव पकड़ो उसका, तुम लोग सही नहीं पकड़ा यार। वर्स होता है ना बैड वर्स, बैड बेटर बेटेस्ट करोगे क्या तुम लोग बैठ गए, गुड गुडर गुडेस्ट भी कर दो फिर, फिर सब ऐसे मैनी मैनियर मैनियर मच मचर मचेस्ट, सब यही थोड़ी ना होता है यार, थोड़ा सा इरेगुलर भी होता है, नर्सरी में या के प्राइमरी में तो पढ़ता ही है बच्चा उसको कम से कम। दे शोर पेट्रोल हैज फाउंड द बॉडी, द शोर पेट्रोल, सॉरी शोर पेट्रोल मतलब पेट्रोल से मरा दी, यहाँ पर पेट्रोलिंग ऑफिसर्स लगा रखे हैं, शोर मतलब जो साहिल समंदर पर जो होता है ना पुलिस जो होती है वो। द शोर पेट्रोल हैज फाउंड द बॉडी ऑफ अ मैन हु दे बिलीव टू बी द मिसिंग मरीन बायोलॉजिस्ट। यस इफ हबीब इज 100% राइट, हुम होगा, जिसको वो बिलीव करते थे कि वो मिसिंग मरीन बायोलॉजिस्ट था, हुम नहीं होगा, हुम आएगा ना, कि द शोर पेट्रोल ने बॉडी फाइंड की, जिसको वो बिलीव कर रहे थे कि वो खोया हुआ मरीन बायोलॉजिस्ट है, तो हु मतलब तो जो होता है यहाँ पर, जिसको के मायने में आएगा ना, जिसको वो समझ रहे थे कि वो क्या है, तो जिसको के लिए हुम लगाते हैं, हु सिर्फ जो होता है। ठीक है, तो यहाँ हु में मसला है। लेक्चर्स फॉर द वीक ऑफ मार्च 22 से 26 विल इंक्लूड द फॉलोइंग, द अब ये लेक्चर्स के नाम है, द कॉज ऑफ द सिविल वॉर, द इकोनॉमी ऑफ द साउथ, बैटल स्ट्रेटजीज एंड द असैसिनेट लिंकन। बता रहा हूँ चलो, मार्च 22 से 26 तक के हफ्ते के लेक्चर्स में ये सब चीज़ें शामिल होंगी, सिविल वॉर के कॉजेस या उसके जो भी मकासद थे, द इकोनॉमी ऑफ द साउथ जनूब की मईशियत, बैटल स्ट्रेटजी मतलब कि लड़ाई की हिकमत अमली, एंड द असैसिनेट लिंकन और लिंकन की हलाकत। और यहाँ गलती यहाँ पकड़नी तो है, बड़ी गलती ये गलती यहीं पर आ रही है लग रहा है, लेकिन वर्ड क्या होगा यहाँ पर, लिंकन की हलाकत। यस नाउ इफ आई वाज राइट, दिस शुड बी असैसिनेशन ऑफ लिंकन, असैसिनेशन यहाँ पर होना चाहिए, असैसिनेशन ऑफ लिंकन। तो आपने सही समझा कि गलती यहीं पर हो रही है, बट ये गलती अच्छा आपको सही नहीं बताना है, अब गलती ही स्पॉट करनी है, डी पे गलती है, लेकिन इसलिए सही पता होना चाहिए कि रट्टा तो नहीं लगाना है ना। डिस्पाइट ऑफ मैनी अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस आर यूनिवर्सल लैंग्वेज नोटेबली एस्पेरांटो एंड ईडियम न्यूट्रल, द एफर्ट हैज मेट विथ
वेरी लिटिल सक्सेस. ए क्यों? डिस्पाइट. यस वेल डन. डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं आता. डिस्पाइट मैनी अटेम्प्ट्स इस तरह से होता है. इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है. तो यहाँ पर गलती है डिस्पाइट ऑफ में. हाँ यही मैं कह रहा हूँ. या तो इंस्पाइट ऑफ कह सकते हैं या सिर्फ डिस्पाइट लिख सकते हैं. एज एवरी अदर नेशन द यूनाइटेड स्टेट्स यूज टू डिफाइन इट्स यूनिट ऑफ करेंसी द डॉलर इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड. कहाँ पर गलती है? एज एवरी अदर. नहीं इट्स यूनिट. क्यों? इट्स यूनिट सही है. उसकी यूनिट पॉजिटिव लगा हुआ है. कोई मसला नहीं. गलती यहाँ है भाई एस में. एस के साथ दूसरा एस भी आता है. क्या कहीं है दूसरा एस? जो अभी अरिश्त ने सॉर्ट किया था दूसरा एस है कहीं पर? एस नहीं है. एक मिनट. एस के साथ दूसरा एस भी आएगा. कहीं नहीं दिख रहा. तो फिर एस नहीं लगाते. फिर हम लगाते हैं लाइक. लाइक एवरी अदर नेशन. एस लगेगा तो सेकेंड एस भी आएगा. अगर जैसा अगर आपको एस अगर अगर जैसे के मायने में आप एस लगा रहे हो ना तो डबल एस आएगा. और अगर आप लाइक लगा रहे हो तो फिर दूसरे लाइक की जरूरत नहीं होती. लाइक एवरी नेशन इस तरह से होना चाहिए. सर वो सर पिछले वाले सवाल में नहीं आया था तो वहाँ पर मोर और उसका देन का मसला आ गया था ना. डेट्स ऐसा हुआ. हाँ एवरी अदर नेशन दूसरे और अकवाम. एवरी अदर नेशन एवरी अदर नेशन. नहीं ये जुमला सही है. बोल सकते हैं. मन गलत नहीं है. ऑकवर्ड हो सकता है. गलत नहीं हो सकता. ठीक है. सुनने में अजीब लग रहा होगा बट गलत नहीं है. इट इज़ नेसेसरी दैट वन मेट विथ अ जज बिफोर साइनिंग द फाइनल पेपर्स फॉर अ डाइवोर्स. यस इट इज़ नेसेसरी. जब ये प्रेजेंट में आया तो ये भी प्रेजेंट में आना चाहिए भाई. तो मीट विथ अ जज. इस प्रेजेंट है ना तो अगला प्रेजेंट. पास्ट तो आ ही नहीं सकता. मुमकिन नहीं. अनटिल रिसेंटली वुमेन वर फॉरबिडन बाय लॉ फ्रॉम ओनिंग प्रॉपर्टी. नहीं जरूरी नहीं है. सी डी नहीं. मुझे आप वर्ड बता दो. वुमेन वॉज क्यों होगा? सिंगल ई लगा हुआ है. प्लूरल है. सही है. फ्रॉम ओनिंग. अच्छा यहाँ देखो स्टेट वर्ब का मसला है. वर्ब का मसला है. ओन जो है ना ओन इट इज़ अ स्टेटिव वर्ब. ये एक स्टेटिव वर्ब है. स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं? जिनका आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होता. ओनिंग कुछ नहीं होता है. मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है. आई ओन अ मोबाइल फ़ोन. कभी नहीं लिख सकते आई एम ओनिंग अ मोबाइल फ़ोन. अगर सभी भी मालिक हूँ मैं लेकिन कभी नहीं लिखते. आई ओन अ होम. आई ओन माई ओन हाउस. तो यहाँ ओन मतलब स्टेटिव वर्ब है रखना. तो इसकी कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती. तो ये बाय लॉ फ्रॉम ओनिंग नहीं है. यहाँ पर होगा बाय लॉ टू ओन प्रॉपर्टी. फॉर ओनिंग नहीं हो सकता या फ्रॉम ओनिंग नहीं हो सकता. ठीक है टू ओन आएगा क्योंकि ओन एक स्टेटिव वर्ब. बहुत सारे होते हैं. लव एक स्टेटिव वर्ब है. ठीक है ना. आई लव पाकिस्तान इस तरह तो लविंग नहीं हो सकता. इस तरह हेटिंग नहीं हो सकता. बहुत सारे स्टेटिव वर्ब होते हैं. तो उनमें से ओन भी एक स्टेटिव वर्ब है जिसकी आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होती है कभी भी. अब एप्लीकेशन में जो लिखा जाता है ना योर लविंग डॉटर योर लविंग सन वहाँ पर वो एडजेक्टिव होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव. योर लविंग डॉटर योर लविंग सन वहाँ पर जो लविंग होता है वो एडजेक्टिव होता है. आई एम लविंग पाकिस्तान नहीं कह सकते. आई एम लविंग पाकिस्तान हो ही नहीं सकता. आई लव पाकिस्तान. अगरचे अभी भी मैं पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा हूँ लेकिन मैं ये कभी नहीं कह सकता आई एम लविंग पाकिस्तान. आई लव पाकिस्तान. दैट इज अगर मैकडोनल्ड्स में लिखा हुआ है आई एम लविंग इट सो इट इज़ ग्रामेटिकल मिस्टेक. है ना. मैकडोनल्ड्स के लिखा होता है ना उसमें आई एम लविंग इट. आई एम लविंग इट तो वो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है मैकडोनल्ड्स के लोगों में जो लिखा हुआ. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुएट कैटेगरी स्टूडेंट हाउसिंग इज मोर चीपर देन हाउसिंग ऑफ कैंपस. यस ठीक है. यस मलिहा यू आर राइट. यहाँ या तो मोर चीप होना चाहिए. मोर चीप वैसे होता नहीं. होना सिर्फ चीपर ही चाहिए होता है. ठीक है सही और राइट. तो चूंकि चीपर खुद एक कंपैरेटिव है तो उसके साथ मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है. है ना. तो इज चीपर देन हाउसिंग ऑफ कैंपस इस तरह से हो सकता है. हाँ मच लग सकता है. मच चीपर. सुब कंपैरेटिव के साथ मच लगाते हैं जैसे शी इज मच बेटर देन मी.
मोर बेटर नहीं हो सकता। अगर चीपर के साथ आपको लगाना ही है ना कोई, तो उसके साथ मोर नहीं लगेगा, मच लगेगा। मच बेटर, मच शॉर्टर, मच लॉन्गर बोलते हैं ना, मोर करके नहीं लिख सकते। जॉन डेवी, ये माहिर तालीम थे, जॉन डेवी थॉट दैट चिल्ड्रेन विल लर्न बेटर थ्रू पार्टिसिपेटिंग एक्सपीरियंसेस रेदर देन थ्रू लिसनिंग टू लेक्चर। जॉन डेवी ने ये सोचा कि बच्चे सीखेंगे ज़्यादा बेहतर, कैसे भाई, पार्टिसिपेट करके। सिर्फ लेक्चर को सुन के नहीं बच्चा सीख सकता, तो इसमें क्या मिस्टेक यहाँ पर आपको दिख रहा है? क्या या सिर्फ स्टूडेंट विल लर्न बेटर थ्रू पार्टिसिपेटिंग एक्सपीरियंस अदर देन थ्रू यस अरीशा इज नाउ अगेन राइट थॉट सोचा पास्ट थिंक थोड़े ना थॉट है तो विल नहीं आएगा यहाँ विल का पास्ट आएगा क्या होगा वो वुड लर्न बेटर थ्रू पार्टिसिपेटिंग तो पास्ट के साथ पास्ट ही आता है तो थॉट है ना थिंक थोड़ी ना है तो विल सही होगा वहाँ पे पास्ट के साथ पास्ट का क्लॉज सिंपल बेसिक रूल समझ आ गई बात सारे मुश्किल नहीं यहाँ क्या है कि रूल्स आपको पता हो प्रैक्टिस इतना कर लो कि आपको देख के जुमले में गलती समझ में आनी शुरू हो जाए कि स्पॉट यहाँ पर एरर होता है Some methods to prevent soil erosion are plowing parallel with the slopes of hills to plant trees on unproductive land and rotating crops. Parallel structure का मसला यहाँ पर है Parallel structure क्या बताया था एक ही pattern पर सारे structure चलेगा अब भक्का गलती का है Yes, Aves, you are right. अब यहाँ पर plowing है यहाँ पर प्लोइंग है यहाँ पर रोटेटिंग है तो यहाँ पर टू प्लांट नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए प्लांटिंग ट्रीज ऑन अनप्रोडक्टिव लैंड एंड रोटेटिंग क्रॉप्स अच्छा है बात करेक्ट बिल्कुल सही को मसला नहीं है टू प्लांट ट्रीज मतलब उसका मतलब ही दरख्त उगाया जाए लेकिन चूंकि वहाँ प्लोइंग है और रोटेटिंग है तो एक फॉर्मेशन के लिहाज से बेहतर इंग्लिश में ये होता है कि हम पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करें और जिस तरह बाकी दो वर्ब आईएनजी पे चल रहे हैं तो उसको भी आईएनजी पे चलें प्लांटिंग Some methods to prevent soil, नहीं Some methods to prevent corrosion are following. उसमें कोई मसला नहीं है जिस तो जरूरी नहीं होता है ना methods of preventing corrosion पढ़ा है ना चार methods. Interest in automatic data processing has gone rapid since the first large calculators were introduced in 1950. Automatic data processing में दिलचस्पी बढ़नी शुरू हो गई है तेजी से बढ़ रही है पहली जब पढ़े जब से हाँ Yes, growing rapidly. Adverb of manner. Adverb mistake है Grown rapidly. बहुत तेजी से बढ़ चुकी है तेजी से Adverb of manner लगेगा तो rapidly आएगा ना Grown verb है और उस verb को classify कर रहा है rapidly. Grown rapidly. तेजी से slowly, nicely, neatly, happily. ये सारे के सारे Adverb of manner होते हैं Walsaf Nijinsky. ये कोई आदमी है Achieved world recognition as both a dancer as well as a choreographer. बोलो कौन बता रहा है एस बोथ आ डांसर नहीं और उसके अलावा गलती यहाँ यस एस नहीं ये देखो बोथ के साथ हमेशा आता है एंड ही वॉज बोथ माई फ्रेंड एंड माई टीचर ठीक है बोथ के साथ हमेशा एंड आता है एस बोथ अ डांसर एंड अ कोरियोग्राफर तो ए तो सही समझ गए तो बोथ के साथ हमेशा जो जोड़ी बनती है ना वो एंड की बनती है बोथ के साथ एंड आएगा बोथ के साथ एज वेल एज कभी भी नहीं आता ठीक है नेक्स्ट है एयरपोर्ट्स मस्ट बी लोकेटेड नियर टू इसको समझना है मस्ट बी लोकेटेड नियर टू मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स फॉर द एडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन टू बी रिटेन एयरपोर्ट को लाजमी बड़ी आबादियों के करीब होना चाहिए ताकि एयर ट्रांसपोर्टेशन की एडवांटेज जो है वो पब्लिक को मिलती रहे मैसर आती रहे करीबी वो जाके जहाज पर बैठ के कहीं पे भी चले जाएं गलती कहाँ है ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर बड़ा स्लाइट सा मिस्टेक है पकड़ना पड़ेगा बड़ा स्लाइट सा मिस्टेक है देखते हैं कौन पकड़ते हैं मस्ट बी लोकेटेड नहीं सही है
कोई नहीं, कोई देखते हैं कि बच्चा गलती पकड़ पाता है कि नहीं इसमें। टू बी रिटेन्ड, नहीं कोई गलती नहीं है, ताकि वो एयर ट्रांसपोर्टेशन सही है, हवाई आमदोरफ्त कोई मसला नहीं। यस वेल डन। नाउ ये मलिहा ने बताया नियर मेजर पॉपुलेशन सेंटर, नियर के साथ टू कभी नहीं आता। यू आर स्टैंडिंग नियर मी, आई एम स्टैंडिंग नियर द बोर्ड, नियर टू द बोर्ड थोड़ी ना होता, एडजेसेंट टू होता है, नियर टू नहीं होता है, नियर बस नियर मेजर पॉपुलेशन सेंटर। नियर के साथ टू लिखना बहुत गलत होता है ग्रामेटिकली, ठीक है। तो नियर बस ये छोटी सी गलती मैंने बताया थी, छोटा सा बढ़िया ही था टू, ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट है, बाकी भी चले देखें। इट इज सैड दैट आइंस्टाइन फेल्ट वेरी बैडली अबाउट द एप्लीकेशन। क्या होना चाहिए था? बैड होना चाहिए था। आइंस्टाइन फेल्ट वेरी बैड, उसने बहुत बुरा महसूस किया अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हिज थ्योरीज टू द क्रिएशन ऑफ वेपन्स ऑफ वॉर। तो जैसा ना आई एम फीलिंग वेरी बैड बोलते हैं ना, फीलिंग वेरी बैडली तो नहीं बोलते ना, तो बोलने में अजीब लग रहा है। तो फेल्ट वेरी बैड, बहुत बुरा महसूस हुआ उन्हें जब उनको देखा कि मेरे तमाम थ्योरीज को बम बनाने में लगाया जा रहा है। द प्लांट्स दैट दे बिलोंग, बड़ा सिंपल है, टू फैमिली ऑफ फर्न्स आर क्वाइट वेरिड इन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। द प्लांट्स दैट दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फर्न्स आर क्वाइट वेरिड इन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर्स। बड़ा सिंपल सा सी गलती इसमें आ रही है, एक्स्ट्रा वर्ड आया हुआ बिला वजह में, होना नहीं चाहिए था। यस दे नहीं आएगा यहाँ पर, द प्लांट्स दैट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फर्न्स हो गया, दे यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड डाला गया है ना भाई। द प्लांट्स, अब जिसको दे के बिना पढ़ो सही लगेगा, द प्लांट्स दैट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फर्न्स आर क्वाइट वेरिड इन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। दे की जरूरत तो नहीं होती ना यहाँ पर, एक्स्ट्रा दे डाला गया उसमें, ओमिट कर दिया हमने उसमें। समझ में आ गई सारी गलती?